सिलेबस कंप्लीट किया, नए साल में अप्लाई किया, फरवरी मार्च तक रिस्पांस मिला, तो कई कंटेंट तुम्हारे माइंड से मिसिंग होने लगेंगे स्टार्टिंग से। वो फिक्स है, हर एक ह्यूमन बॉडी में होता है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि सीखते सीखते अप्लाई करो, रिजेक्ट हो, रिजेक्ट होके तुमको, एक लड़का है उसको 6 या 7 कंपनियों में रिजेक्ट हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम अपना लिस्ट बना लो कि रिजेक्ट क्यों हुए हो। तो उसने लिस्ट बनाया कि मेरा इस कंपनी में ये गलती थी, इस कंपनी में ये गलती थी। अब मैंने बोला इस गलती पर काम कर लो, काम तुम्हारा हो जाएगा। अब जहां तक वो कर लेगा उसको सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे कहने है कि प्रिया तुम्हारा ठीक है, केस अलग है कि तुम्हारा जॉब में हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कॉमन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, मेरा ये कहना रहेगा कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ अभी स्टडी कर रहे हैं वो अप्लाई करने के साथ स्टडी करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा तो यस मैंने सर। बताया तुम एक जॉब में सर हो। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था हाँ कि जैसे एक है बंदा, एक बिल्डर टाइप का आदमी है, तो मैं उससे मिला एक दिन ऐसे ही। तो वो सरदार जी हैं, तो हाँ पहले कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे। तो हाँ मैंने पूछा सर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में छोड़ के आप ऐसे बताओ अपने दूसरे काम में क्यों आ गए। तो बोले हाँ यार इधर कोई पैसे ही नहीं देता। देखो कैसे होता है, ऐसा कैसे। देखो नहीं ऐसे में एक तरीका होता है ना मुजाहिद, क्या होता है पैसे किसको मिलते हैं ये समझो, ठीक है। अभी तुम देखो जो बंदा रोड पर एक क्या बोलते हैं एक शर्ट बेचता रहता है, वो जब बोलता है कि 250 रुपए की शर्ट है, तो एक आदमी वहां पर जाता है बोलता है कि क्या बोल 150 की दोगे क्या, बोलता है कि नहीं बोलता है, ठीक है। और कब मैं गया था वो नाइकी के शोरूम में, तो एक वो क्या बोलते हैं छो एक हल्की सी टी शर्ट थी, ठीक है, 1599 कितने की, 1599 की। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि 1400 की दोगे क्या, रीजन समझ आया, हाँ सर, ठीक है। ब्रांड, सर ब्रांड है तो उसकी वैल्यू है। हाँ तो तुम्हें अपने आप को एज अ ब्रांड शो करना पड़ेगा। इसलिए तो सर मैं अपना मतलब खुद का धंधा कुछ स्टार्ट करने के लिए ज्यादा सोचता हूँ कि कुछ अपना धंधा करूँ। बिल्कुल करना चाहिए अपना धंधा, लेकिन अपने धंधे में ना तुमको बताता हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बचपन से अपना धंधा करना चाहता था, ठीक है, लेकिन मैंने 5 साल इंडस्ट्री में लगाए हैं जस्ट ट्राई टू नो कि एचआर वाला वर्क कैसे इंडस्ट्री को करना है। क्रैक करना है सर, हाँ ये ठीक है, इंडस्ट्री है क्या? इंडस्ट्री ये है है सर, क्या, अपने पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। और उससे भी बड़ी बात, सिर्फ काम करना नहीं होता इंपॉर्टेंट, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं मेरे साथ कई, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग मच प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि वो काम लाना नहीं आता है, ठीक है। दो चीज जिसको आ जाए उसको बिजनेस करना चाहिए, एक तो काम करना, एक काम लाना, ठीक है। कोई कोई होगा जो काम लाने में एक्सपर्ट होगा बट करने में नहीं एक्सपर्ट है, वो फ्लॉप हो जाएगा, और जो काम करने में एक्सपर्ट है वो लाने में नहीं एक्सपर्ट है, वो फ्लॉप हो जाएगा। काम काम लाने का तो सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो हाँ मैंने उनसे बात करी, बोले आजकल क्या कर रहे हो? तो बोले सर मैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ। बोले दिखाओ तुमने क्या बनाया। तो सर मैंने एक वो G+3 प्रोजेक्ट किया था जिसके लिए मैंने आपसे भी वो राय मांगी थी, उसका कॉलम पोजिशन वाला। सो बोलते रहे ये क्या, ये तो बहुत बच्चों वाला प्रोजेक्ट है, अरे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करो तो कुछ काम दे। ठीक है सर। तो वो पहली सर सीढ़ी ना काम चढ़े, का कैसे ऐसा है कि डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे बहुत पकड़ा सारे दिए। लोगों से मिलना जुलना होता रहता है, दिन में आर्किटेक्ट काफी मिलते हैं। तो काम का यह है कि काम तो मिल ही जाएगा अगर हम प्रॉपर काम करने बैठेंगे तो। उनको ये बताना चाहिए कि हम डायरेक्ट ही आखिरी सीढ़ी पर थोड़ी चढ़ जाएंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग हाँ टू गिव द पर स्टेप्स ना। यस सर, फिर भी और सर इंटरव्यू तो देना है, जॉब की हाँ तैयारी भी करनी है। इंटरव्यू दो, और जो कंपनियां हैं वो बहुत फायदा होता है। मैं तो जिस जिस कंपनी में था तो मेरा यही प्रयास होता था कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें काम में ना बहुत से लोग करते हैं काम, लेकिन अनप्रोफेशनल काम अलग होता है, प्रोफेशनल काम अलग होता है। अभी तुमको जस्ट एग्जाम्पल दिखा श्योर दिया, सर, ठीक है, एक टी शर्ट को 250 150 लोग बोलते हैं, एक टी शर्ट को 1599 कुछ नहीं बोलते, ठीक है, तो अपने को वो ही दिखा रहे हैं। जाकिर भाई ने तो बताया तो बोलता 5,000 और मजे की बात तुमको बताओ क्या, वो जॉकी वाला क्या बोलता है, मुझे ना रिवॉक का चाहिए था, तो वो बोलता है कि सर एक चीज बोलो क्या, मैंने बोला बोलो, तो बोला कि सारे ही कपड़े जो है चाहे रिवॉक का हो चाहे जॉकी का हो लुधियाना से बन के आते, कहाँ से बन के आते आज हैं, लुधियाना से, बोला सब कपड़े एक ही होते हैं, सिर्फ लोगों का डिफरेंस है, और आप रिबॉक में जाएंगे यही टी शर्ट आपको 2,500 की मिलेगी। मैं कहा यार सही बोल रहा है ये तो, कि जब एक ही जगह से मतलब एक ही वो है लोकेशन है तो कहीं से भी उठा लो, तो मतलब कि ये समझो कि वही काम को एक बंदा थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा के 1500 ले लेता है, एक और अच्छा दिखा के 2500 ले लेता है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना अच्छा लेते हो उसको। अच्छा प्रेजेंटेशन की तो बात सही बोल रहे हैं आप। प्रेजेंट कोई बंदा अपने आप को कैसे करता है, हाँ
उसी के ही माउथ से। अरे मतलब वही, मतलब सोचो मैं एक ट्रैक सूट पता कर रहा था, तो ट्रैक सूट बता रहा था कि, और ट्रैक सूट समझ लो ना वो जो जॉगिंग वगैरह करने के लिए, तो 10,000 का ट्रैक सूट जा रहा था उसका। और वो ट्रैक सूट मैंने दूसरी जगहों पे भी देखे थे, क्योंकि क्या बोलते मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो ट्रैक सूट मैं दूसरी जगहों पर देख रहा था, वो 3 से 4 हज़ार रुपये के मिल रहे थे, सेम क्लोथ ठीक है, लेकिन ब्रांड का नाम लेके वो इनहेंस कर रहा था। और आदमी को लेना होता तो सीधे सीधे वो चुपचाप लेके आता वहाँ पर, वो बोलता भी नहीं कि 50 रुपये कम कर दो। ठीक है चलो यस सर, चलो ठीक है, हम लोग यस सर, मॉक स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज टाइम हो श्योर जाएगा। सर, थैंक यू सर। ओके चलो, आज का हमारा जो मॉक का जो मेन मोटो है वो क्या है, वो है इंट्रोडक्शंस। ओके, हाउ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन यही रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद की बात है। इंट्रोडक्शंस, अब इंट्रोडक्शंस में कई लोग कैसे इंट्रोडक्शन देंगे अभी आप देखोगे, और देना कैसे चाहिए ये भी देखोगे। ठीक है, आप पहले तो नाम अपना बताते हो, लाइक व्हाट्स योर नेम एंड योर करंट लोकेशन, योर लाइक फ्रॉम वेयर यू आर एंड योर करंट लोकेशन, एंड फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड योर डिग्री इन विच ईयर्स, ये आप बता देते हो। इसके बाद डिग्री मास्टर जो भी आपके है, उसके बाद जो मेन पोर्सन होता है वो लोग बहुत शॉर्ट में कर देते हैं। करंटली आई एम डूइंग इंटर्नशिप विद यूनिक्स सिविल, आई एम लर्निंग द सॉफ्टवेयर ऑटोकैड स्टेप, जो भी आप सॉफ्टवेयर बोलते हो बोल देते हो। ठीक है, अब ये जो इंट्रोडक्शन है ये इतना कॉमन है कि हर कोई यही छेपता है। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन कैसे डिफरेंट हो इसको आपको सोचना है, कैसे सोच सकते हो। स्टार्टिंग तो ना, पहले तो आप ये बोलोगे गुड मॉर्निंग एंड उसके बाद थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटीज, ये तो बोलना ही बोलना है। इसके बाद तुम अपना नाम तो बता ही रहे हो, लोकेशन बता ही रहे हो, ये तो कॉमन है। ठीक है, लेकिन ये तो अपने इंटर्नशिप के बारे में बता रहे हो। ठीक है, इंटर्नशिप में आपको क्या कोशिश करना है, ढेर सारे स्ट्रक्चर्स के वर्ड को यूज कर लेना है। स्ट्रक्चर्स के वर्ड को यूज क्यों करना है भाई, स्ट्रक्चर्स के वर्ड मतलब कि आई एम डूइंग इंटर्नशिप विथ यूनिक सिविल एंड इन दैट लाइक आई एम लर्निंग ऑटो, आई लर्न ऑटो कैड, इन ऑटो कैड वी नो आउट 2D 3D प्लान सेक्शन एलिवेशंस, दीज आर द थिंग्स, लाइक ऑल्सो वी नो सम कॉन्सेप्ट ऑफ रेरा बिल्डिंग बाई लॉ वास्तु एंड ऑल, इस तरीके से बताओ। उसके बाद जब तुमने बात किया स्टैट प्रो का, इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो कि आई हैव डन स्टैट प्रो विथ RCCL स्ट्रक्चर, RCCL स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस विथ IS कोर्स। तो अब यहाँ पर वो कंटेंट आपको इंटर्नशिप में दिखाना है, जब तक सामने वाला चुप ना हो तब तक उसको बोलते जाना है। ठीक है, उसको ये रियलाइज होना चाहिए कि इसने 4 महीने का जो इंटर्नशिप किया है, क्योंकि देखो किए तो हो तुम और सीखे भी बहुत कुछ हो, लेकिन अगर तुम बताए नहीं तो मैं तुम्हारे घर थोड़ी गया था सीखने देखने के लिए कि तुमने क्या क्या सीखा हुआ है। तो तुम्हें अपने इंट्रोडक्शंस में ढेर सारा ऐड करना है, जब मैं बोलूँ ओके तब आपको क्लोज करना है कि नहीं ठीक है। और इसका एक बेनिफिट बताऊँ, बेनिफिट ये होता है कि सपोज किसी भी कंपनी में तुम जाने वाले हो या फिर किसी भी कंपनी में गए हो, वहाँ पर उनकी जो जो रिक्वायरमेंट दिख रही है ये पहले से पता है तो और अच्छी बात है, कि उनको चाहिए कि भाई IS कोड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसमें उन्होंने डाला हुआ है कि स्टैट प्रो का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तुमने क्या किया, जो जो उनको चाहिए था वो तुमने डाल दिया अपने इंट्रोडक्शंस में। अब उनको क्या होगा, भाई इस तो बंदा जो है अपने को जो काम चाहिए वही इसको आता है। ठीक है, और एक और बेनिफिट ये होता है इसमें, जब आप इंट्रोडक्शन में ढेर सारे कंटेंट्स को ऐड कर देते हो तो यहाँ पर एक तरीके से आप, जिस होता है ना कि मछली के खाने के लिए जो फेंकते हैं हम लोग, तो मछली के खाने के लिए कुछ फेंक देते हो, अब क्या होता है मछली वहीं पर अट्रैक्ट होती है, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट फैक्ट ये है कि इंटरव्यूअर जो है वो क्या बोलते हैं, उसको टॉपिक मिल जाता है कि मुझे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछना है। ठीक है, अब इंटरव्यूअर आपके बाहर जाए, आपके नसीबी के बाहर जाएगा और न ही आपके इंट्रोडक्शंस के बाहर जाएगा, वो परफॉर्म वेल करोगे आप। ठीक है, फिक्स होता है। ठीक है, और जिसने इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में निपटा दिया, जिसके रिज्यूमे में कुछ भी नहीं है, अब वो करे तो करे क्या। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक ही बचता है, क्या व्हाट व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आपने बता दिया, अच्छा उसमें भी कुछ लोग बड़े महान होते हैं। ठीक है, वो बोल देंगे रेट्रोफिटिंग, एक वर्ड में करके आंसर कर दिया। अब इंटरव्यू झल्ला जाता है, वो चला गया तुम्हारे इंट्रोडक्शन से बाहर, तुम्हारे रिज्यूम से बाहर, अब तुम फंसे, या फिर बोलो कि अब इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। क्यों, अब वो आउट ऑफ द बॉक्स पूछेगा क्वेश्चन। तो हमें इतना कुछ करना है, इतना कंटेंट दे देना है इंट्रोडक्शन में कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए उसको सोचना ही ना पड़े। ठीक है, और एक चीज़ बताओ क्या, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे इंटरव्यू लिए हुए हैं, सच्चाई आपको बताता हूँ, इंटरव्यूअर कभी भी तैयारी करके नहीं आता है। ठीक है, अगर मेरे को आपका इंटरव्यू लेना है तो मैं कहीं पढ़ के नहीं आया हूँ, ठीक है, और ना ही कभी पढ़ के आता हूँ ना कभी आऊँगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूअर ने कोई तैयारी नहीं किया है। इंटरव्यूअर क्या कर रहा है, वो आपकी पर्सनालिटी को देख के, आपके रिज्यूमे को देख के ही आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो क्यों ना हम उसको ऐसा आंसर करें कि वो इसी के अंदर रहे, उसको एक्स्ट्रा दिमाग न लगाना पड़े। अगर मुझे एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा
तब मैं चला जाऊंगा बाहर, फिर बोलूंगा ये बताओ पिनल्टा इफेक्ट क्या होता है, ठीक है अब तुम फंस गए, फिर मैं तुमको और बाहर चला जाऊंगा, ये बताओ सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस क्या होती है, अब तुम फंसते चले जाओगे। लेकिन तुमने अगर कंटेंट दे रखा है मुझे रिज्यूम में ढेर सारा, तुमने कंटेंट दे रखा है अपने इंट्रोडक्शन में, बस मेरा काम हो गया, मेरे को भी ईजी हो गया, तुमको भी ईजी हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन देना है जो कि ब्रीफ में हो, ठीक है। इसका रीजन मैं बताता हूँ, अभी दो लड़कों का सिलेक्शन ड्यू टू देयर इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने की वजह से उनका सिलेक्शन हो गया, तो मुझे इंट्रोडक्शन सबका परफेक्ट कराना है। लेट्स सी कैसे कैसे लोग इंट्रोडक्शन देते हैं। नाउ विल स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल सुभाषिस। सुभाषिस ऑन योर माइक। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुभाषिस इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो सर, एज यू नो दैट माय नेम इज सुभाषिस दास एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम बालासोर उड़ीसा एंड रिसेंटली आई जस्ट फिनिश्ड माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एंड बिफोर दैट आई हैव आल्सो डन माय डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड राइट नाउ आई एम टेकिंग ट्रेनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विद ए आर आकाश पांडे सर, दैट इज इन इनविन सिविल। एंड इन दैट ट्रेनिंग वी आर लर्निंग अबाउट सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड, कैड प्रो, ईटैब एंड आरसीडीसी। In AutoCAD, we are learning about how to do plans, elevation, and section in detail with the structural details also. And in StratPro, we are doing analysis and design of every type of structure, like the frame structure, that is the design of beam, the design of column, the design of shear wall, and so on. And apart from all of those things, talking about my hobbies, in my free time, I like to do traveling and singing. So yeah, that's it. Very good. This was good time. Subhasis, as you mentioned here, like you know about section and elevations. What is the difference between section and elevation? Sir, in elevation, we only see from the front. We don't go in detail. And in section, we cut one section of the structure and we can see the detail of that, like the structure, like which type of material is used in that particular section. So, yeah. Okay, and in elevations, what you said? It's only from the front view. Front view, correct. Okay. And you know AutoCAD, that means you know the RERA rules also, your plannings. Yes, sir. What is RERA? Sir, RERA stands for Real Estate Development. Sorry, Real Estate Regulation and Development Act. And this is used when someone is building a building or any type of project. They have to be registered in RERA and they have to open an account in RERA, so that in that account they will put all the money, like the budget of the like the project, and they have to like regularly submit their work, like what they are doing. So yeah. Okay, great. You know StratPro, that means you know about IS codes also, right? Is the basics. What are the IS code you use for StratPro? In StratPro, for RCDC, we use IS 456, and for steel, we use IS 800, and for earthquake, we use IS 881893, and for wind, we use IS 875 part 3. So for dead load, we use IS 875 part 1. For live load, we use 875 part 2. So, yeah. Okay. Why should I hire you, Subhasis? So, I think I fulfill all your job descriptions, like you describe about the structural analysis and design of any right frame structure. So, I can do that well according to me. So, yeah, you can look after that. Okay, great. Very good. Thank you so much, Mr. Subhasis. Now Thank come you, with Preeti. Good morning, sir. Good morning. After Preeti, we'll discuss with Raju. Preeti, introduce yourself. Hello, sir. Good morning. My name is Preeti Sahu. I am from Bhilai, Chhattisgarh, and currently I am living in Pune. I am recognized for my communication skill, work abilities, teamwork, and client dealing. I have done my education in M.Tech, Structural Engineering, in 2017. I have completed my BA in 2013. I am currently doing an internship in Unix Civil. In Unix Civil, I am
I have done many of the live projects in G+16, G+14 on the softwares like StatPro, eTabs, and design and detailing in RCDC, and drafting in AutoCAD. And as per AutoCAD, I know I have the knowledge of planning, section, elevation, and as per Bhumi Vikas Adhiniyam 1894. And I have experience on handling design and calculation on wind and seismic analysis as per IS code 875/2015 and 1893/2016. I can analyze and predict lateral loads and reactions of structures in design softwares. And I have done to I can do the costing and estimation and budgets as per your requirements. And I have experience on the multi-story buildings. So, as per soil investigation report, I can design the buildings as per your requirement. And I am very passionate and committed to my work. And I hope my experience and expertise can help you in your company. My hobbies are sketching and painting. So, okay, yeah, very that good. Is. That's it about me. Okay, that's brief about me. I can say like this. Okay, okay, Preeti. Good introductions. Now you just mentioned here like you are able to do the estimation and costing also. So why want to came in structure engineers? Actually, sir, estimation and costing is just a part of our industry. So I know some of the things regarding that, like I can read and do something, but my expertise is in structural engineering as per as I have knowledge of IS codes and StatPro and ETABS and AutoCAD. My main work is that, but I can read and see that document as per requirement. What different skills you have, because there are many members for these positions, why should I hire you? Sir, I have experience in my field, like I have worked as a licensed engineer on my own for 9 years. So I can handle client dealing. I have good communication skill in English. So if you required as per your company, I can deal with the client from the foreign also. And I have a good analyzation and prediction knowledge regarding lateral loads and reactions in structure. Your communication is good as compared to your last mock. You're doing something for your communication? No, actually, I'm from English medium CBSE, so I was not frequently talking to someone regarding that. So now I just do the reading and speak to my roommates in English and somewhat. So that has improved. Your improvement is good. Your communication improvement is good. Now I just want to know, like you've done your 9 years in your license engineering works. So that means if I'll hire you, so then if you started your work part time, this is not good for my company, na? Sir, I used to work there. I used to work there, like I was in Bhilai that time. I'm currently in Pune and looking for structural design purpose only. I used to work for only design and section and elevation. So yeah. For how many years you can commit us for our company? In how many years you can stay here? So I am looking forward to join your company as per your requirement and my commitment. Like I can commit for 2 to 3 years to work in your company. Now, like I work for long term also as per your requirement and like I can fulfill your work requirements. Okay, so you are ready for 2 to 3 years, right? Yes. So if I say like I have a 2 year agreement with you, like I want 2 year agreement with you, are you comfortable for that? Yeah, I am looking forward for it. Okay, great, very good. This was nice answer. Always say positive answers. Maybe I'm not going to do that agreement because I just saw your confidence. Okay, no, he is going to stay. Okay, then why should I go into invest for agreement and all, right? So always say yes. Okay, now. Preeti, what's your salary expectations?
Sir, as per industrial norms, I'm looking forward for that. Like I have done some of the research regarding a company and the industry. So as you have mentioned in your job description, I'm looking forward for that, but I may expect some of the hikes as I have some of the experience in my field and knowledge. So as per industrial norms, I will go for that. Good, very good. Preeti, how many platforms you have applied for job? Like you are using Indeed, Naukri, any other platforms? I used to apply for the jobs for mostly LinkedIn, Indeed. I don't get much response from the Naukri.com. Try to apply by the Glassdoor.com. Okay, try to create the account in Jobs Guide. Oh, sorry, what I said, Glassdoor.com. ओके सो उसमें भी रेस्पॉन्स उतना नहीं है. हाँ, रिस्पॉन्स उतना नहीं है, बट इट्स नॉट गुड फॉर रिस्पॉन्स, इट्स गुड फॉर फीडबैक. फीडबैक इन द सेंस, सपोज आई एम गोइंग टू अप्लाई समवेयर, ओके, एंड दैट कंपनी इज एमएनसी, तो आई कैन आई इफ आई वॉन्ट आई कैन जस्ट चेक कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस, ओके, एंड वॉट आर द क्वेश्चन दे कैन आस, वॉट सैलरी दे ऑफर्ड. डिटेल्स यू कैन गेट फ्रॉम glassdoor.com. एक ओके, ambition.com करके भी है यस और फिश गोल भी है, यस, तो उसमें भी लोग देखते हैं. एम्बिशन भी अच्छा है, पे स्केल तो बहुत ही अच्छा है, और क्या बोलते हैं, ग्लास डोर से आंसर क्वेश्चन मिल जाते हैं बहुत से, ढेर सारे. जी तो व्हेन ठीक है. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम लाइक इन इंटरव्यू, सो आई जस्ट गोन थ्रू विद दैट glassdoor.com, आई जस्ट सॉ द क्वेश्चंस, व्हाट एवर क्वेश्चन दे आस्क, अकॉर्डिंग टू दैट आई जस्ट प्रिपेयर, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल. समटाइम्स द क्वेश्चंस आर द सेम, ओके, वेरी गुड, गुड इंप्रूवमेंट प्रीति फ्रॉम योर लास्ट टाइम्स. एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू वर्क ऑन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द थिंग विच इनहेंस योर सैलरी एटलीस्ट 20 to 30% फिक्स. इफ यू दे सर, आर यस और वो मैं जो यहाँ फंस जाती हूँ कि यू हैव वर्क्ड ऑन योर ओन, उसको मैं छुपा भी नहीं सकती क्योंकि मैंने वर्क किया और कर भी रही हूँ. सच बोलूँ तो अभी भी कर करेक्ट रही हूँ मैं काम, करेक्ट. तो उसको मैं कैसे हाइड कर सकती हूँ, हाँ, तो मेरे को समझ नहीं आता. देखो इसमें ये चीज हो सकता है कि मैं ड्यू टू सम फैमिली कंडीशंस में वहां पर ऐसे मुझे करना पड़ रहा था, बट अभी मैं यहाँ पर आंसर सही दिया था, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि हर किसी के दिमाग में आता है. देखो मेरे दिमाग में आया ना, तो ऐसे ही सामने वाले के दिमाग में आएगा. कि और होता है भी ये है कि जैसे कि मैं किसी कंपनी में काम करता था, मैं पार्ट टाइम भी करता था, ठीक है, तो मुझसे भी लोग बोलते थे कि पार्ट टाइम करते. फिर कुछ लोग को पता चला कि मैं यूट्यूब पे भी हूँ, तो बोलते कि यू डूइंग द यूट्यूब ऑल्सो, सो इफ यू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन यूट्यूब, हाउ कैन यू गिव योर टाइम ऑन आवर कंपनी. तो मेरे लिए बहुत टफ होता था. फिर मैं बोलता था कि दैट वॉज अ फ्री प्लेटफॉर्म, वैन आई जस्ट गॉट द टाइम, आई जस्ट रिकॉर्ड सम वीडियोज एंड जस्ट अपलोड दैट, दैट इज जस्ट 5 to 10 minute वर्क्स. एंड सही बात है कि 5 to 10 minute लगता था. तो तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि भाई मैं तो भिलाई में मेरा लाइसेंस था, तो आई वॉज लाइक यूजिंग देयर, बट यहाँ पर मेरा कोई लाइसेंस नहीं है, आई एम हियर जस्ट फॉर द जॉब. और उसके बाद दैट्स वाई आई एम डूइंग द इंटर्नशिप, ये वर्ड यूज कर सकते हो कि दैट्स वाई आई एम यूजिंग द इंटर्नशिप. और इंटर्नशिप के बाद डेफिनेटली मुझे स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना है, और स्ट्रक्चर्स में मेरा कोई लाइसेंस है नहीं, तो मैं इस पे जॉब कोई करना नहीं है. और मुझे करना क्या है, आई वॉन्ट टू लर्न मोर, बिकॉज आई नीड टू लर्न मोर नॉलेज. बिल्कुल भी किसी को सो नहीं होने देना है कि मुझे खुद का कुछ करना है. अगर ये कहीं से भी समझ में आया, तो कंपनी तुरंत ही वो बाहर निकाल देती है. रीज़न बताता हूँ, तुम उनके सारे सीक्रेट जानने की स्टार्टिंग से ही प्रयास करना स्टार्ट कर दोगे ना, ठीक है, वो तो तो वैसे भी मैं करूंगी. वो तो सभी करते हैं, ठीक है, वो तो सभी करते हैं. इसलिए तुमको एक चीज़ बताता हूँ, अभी कंपनी में जाओगे तो देखोगे एक होती है सेल्स टीम, मतलब जिसको बोलते हैं सेल्स जो करती है, मतलब क्लाइंट ले आना, क्लाइंट को ले जाना, मतलब कि नए क्लाइंट्स, और एक होती है टेक्निकल टीम. तो कंपनी हमेशा क्या करती है, दोनों को दूर बनाती है, ठीक है. तो तुम्हें सेल्स की टेक्निक नहीं बताएगा वो, क्यों, तुम कितना भी काम में एक्सपर्ट बन जाओ, जब तुमको काम सेल ही नहीं करना आएगा तो तुम किस बात के. और सेल्स वाले को कभी बिल्कुल टेक्निकल चीज नहीं बताता है. अगर सेल्स वाले को टेक्निकल चीज पता चल गया, तो तुम्हारी क्या जरूरत है, मतलब कंपनी की क्या जरूरत है, उसको सेल्स करना आ रहा है, टेक्निकल काम भी करना आ रहा है, वो निकल जाएगा, ठीक है. तो इसलिए बहुत सी कंपनीज क्या करती है, वो सेल्स और क्या बोलते हैं टेक्निकल टीम के फ्लोर्स अलग करेंगी, या फिर डिस्टेंस अलग करेंगी, या फिर कहीं कहीं तो क्या, कई ढेर सारी कंपनियों में ऐसा है कि सेल्स टीम यहाँ बैठेगी तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उनकी टेक्निकल टीम बैठती है, ठीक है. तो इसलिए वो उनको अगर थोड़ा सा भी इस पे पता चला कि यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग, कि आप कल को मेरे अच्छे से कंपटीटर बन सकते हो, नॉट दे आर गोइंग टू फायर यू,
ठीक है, फायर इन द सेंस वो हायर ही नहीं करेंगे तो फायर की तो नौबत ही नहीं आती। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि ये लाइसेंस इंजीनियर को ज़्यादा हायर, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस ना करो, ठीक है, सही तरीका ये। उस पर ज़्यादा वर्क एक्सप्लेन भी मत करो, ज़्यादा वर्क इस पर एक्सप्लेन करो इंटर्नशिप पे करो, क्योंकि इंटर्नशिप से कोई रिस्क नहीं है, ये सबसे अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और तुम्हारे पहले जॉब में सच में दिक्कत है, ये पहले भी तुमको बता दो, पहले जॉब में तुमको दिक्कत होगी, फ्रॉम नेक्स्ट जॉब्स कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा, फर्स्ट जॉब वट एवर सैलरी यू वॉन्ट लाइक दे ऑफर यू, जस्ट यू कैन टेक इट जस्ट फॉर 6 मंथ, और ये तुम्हें करना पड़ेगा अपने करियर में ना। तो नेक्स्ट कंपनी क्या लगेगा, अभी तो जॉब कर रही है तो हो गया खत्म, तो फिर टेंशन ही नहीं है। तो पहली कंपनी में तुम्हें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि हमको जो सैलरी देंगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यही तरीका है, ठीक है। ठीक है, ओके गुड। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने बीम से स्ट्रक्चर से मैंने जब बीम में स्विच किया था तो सेम सैलरी पर मैं स्विच किया था। रीजन ये था कि दे आस्क लाइक इफ यू आर द स्ट्रक्चर इंजीनियर वाई वन टू के मैंने बी आई एम, कोई आंसर ही नहीं होता था। फिर मैंने थोड़ा बहुत टेक्निक लगाया, मैंने कहा कि बता तो सकता हूँ, काम तो दोनों के किए, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर दैट्स वाई आई स्विच इन बी आई एम। तो उसने मुझे हाइक नहीं दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, पहली कंपनी ने हाइक नहीं दिया, दूसरी कंपनी मैंने 4 या 5 महीने में छोड़ी और फिर मुझे हाइक मिल गया था अच्छा खासा। तो मिलता है हाइक अगर एक कंपनी से थोड़ा सा लोगों मेंटेन कर ले, जैसे जिसका कैरियर गैप है उसको मैं क्या बोलता हूँ, जिसका भी कैरियर गैप है मैं स्ट्रांगली बोलूँगा जो एक जॉब मिले कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट कंपनी जो है वो तुम्हारे अब गैप पर फोकस नहीं करता, वो तुम्हारे प्रीवियस कंपनी पर फोकस करता है, और जिसका गैप ही नहीं उतना कोई टेंशन नहीं। चलो थैंक यू सो मच प्रीति, दिस वॉज नाइस इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन पर और काम कर लो, ओके गुड। नाउ कम विथ देयर इज वेयर इज राजू, राजू इज नॉट देयर, ओके गुड। नाउ कम विथ अभिजीत वर्मा, अभिजीत गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभिजीत, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन ब्रीफ। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अभिजीत वर्मा एंड आई एम करेंटली लिविंग इन झाबुआ। आई हैव डन माई बी टेक इन 2021 फ्रॉम GSITS एंड लेटर दैट ऑन आई हैव प्रिपेयर फॉर गेट एंड क्वालिफाइड फॉर गेट एंड नाउ आई एम करेंटली डूइंग अ इंटर्नशिप ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लर्निंग सब सॉफ्टवेयर एंड फोकसिंग ऑन द बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, हाउ टू डिजाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एंड एलिमेंट्स using various softwares like AutoCAD, StatPro, ETAB, some detailing software like RCDC and manual Excel. So talking about the project, we categorized the project like residential and industrial. The residential project we can do in ETAB and the industrial project of steel we can do in StatPro. And after analyzing and designing in a particular software, we do the detailing in RCDC. And after detailing, the finalized report can be prepared in AutoCAD, which can be submitted to the client, respective client. This is all about my work. And I also known basics of various codes, IS codes like IS 875, 1893, SISMIC, and 875 part 1 to 5. Talking about my hobbies, my hobby is to play cricket, gymming, and learning other stuff about astronomy. And yes, that's all. Okay, great. From where you are, Vishit, what you mention here? Sir, I am currently living in Jabwa. Jabwa. Jabwa is where? Sir, it is 150 kilometer from Indore. Indore. Okay. Yes, sir. Is it possible try to mention the from Indore? Yes, sir. Definitely. Okay. So try to mention Indore. Why? Okay. If you mention Indore, so company think like okay, if he in Indore, we can easily hire him. Okay. Yes, And sir. if you just say Jhalwas, first of all, maybe they don't know. Second thing, Yes, sir. If they hire you, are you comfortable or not? Maybe they can think about that. So you can say I'm from Jhalwa, but currently living in Indore. That's it. Yes, sir. Okay, this will be more effective. Okay. Abhijit, as you mentioned here, you have a knowledge of IS 875 all parts, right? Yes, Okay. sir. Oh, what is the use of IS 875 part 3 and part 4? Sir, IS 875 part 3 is for
part 4 is for snow load. Okay. Part 3? Sir, part 3 is for... Sir, I don't know part 3. Okay. Like maybe it's for wind load? Yes, sir. I think it is for wind load. Part 1 is for dead load, part 2 is for live load. Okay. And part 3 is for wind load. Yes, sir. Okay. What do you know about IS-75 part 3? As you said, like you know wind load, that is for wind load. What do you know in that? Sir, in wind load, we calculate the base shear which is acting in the building due to wind force. Okay. And in that, sir, base shear, it is H equals to VB into W. Are you sure? Then how to calculate seismic pressure? Sir, seismic pressure, sir, it is wind speed, no? Wind speed. No, no, as you said, this formula like AH into W, what you said, that is for wind load. Then how can we calculate the base shear of seismic, means earthquake? Sir, this is for the seismic. Yes. Sir, for wind speed is, sir, it is K1, K2, K3, K4 into VB. Okay, well, explain that all, that's it. Sir, it is the different type of factors which is acting like K1 is for terrain category K1 is probability factor, K2 is terrain category, K3 is topographic factor. And K4? And sir, K4, I don't know. Cyclone effect. Yes, sir, cyclone effect. And VB? Sir, VB is wind speed acting on the building about 10 meter. Basic wind speed, yes, sir. Okay. Abhijit, why should I hire you? Sir, I think I have great technical expertise in my field. As I've cleared GATE, my basic is very clear, and I can do any kind of analysis targeting on the problem. I can provide a solution which is very effective and very efficient. Job versus business, what you want to choose and why? Sir, I think I will go for job, because as I am fresher, I have to learn very much skills, and I think I should do job about 4 to 5 years so that I can get a decent experience in my field. Okay, means after 4 to 5 years you don't have a plan for doing the job, right? Yes, sir. Okay, then means after 4 to 5 years maybe you are a competitor of my company? Sir, I don't definitely think about that right now, but I am no more focusing on my skills. Okay, don't mention like I'm just going to start my own after 4 to 5 years. Jaise bol sakte ho ki like jaise tumhara pehla wala answer acha tha ki as I'm fresher, I don't know anything about business. I need to learn first. Okay, I never think about any business plan. So ye wala answer sahi tha. Ye 4 to 5 year wala mat bolna, theek hai? Yes, sir. Okay, because there are some persons who's from narrow mind. Theek hai? So they can think about that. Yes, sir. Or khas tor se you are from the like Indore, so there are very small structure engineer, as you know, if you know, right? So they think very narrow. Okay. Yes, sir. Okay, thank you so much, Mr. Abhijit, but you need to improve your technicals, as you know. Sir, right? वो थोड़ा एकदम blunder हो गया था, एकदम से पता नहीं मेरे को खुद को पता नहीं चला क्या हुआ. Interview ऐसे ही होता है ना. मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था, आप जो पूछ रहे हो वो अलग चीज़ है, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था. ओके, मैं पता नहीं कहाँ सोच रहा था. गर्लफ्रेंड को आई एम सोच रहे थे क्या? नहीं नहीं सर. ओके, तो
क्या बोलते हैं, देखो इसमें तुमने क्या बोला, आई हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ आईएएस कोड्स। तो आईएएस यस कोड का सर। बेसिक नॉलेज का मतलब ये नहीं कि मुझे नाम पता है, काम भी पता है, ये पता होना चाहिए। ये सर ठीक सर है? पढ़ तो रहा हूँ मैं कोड वगैरह, बट वो एकदम से हाँ पता नहीं क्या ब्लेंडर हो गया एकदम से, मतलब पूछ क्या रहे हैं वो बता क्या रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी ऐसे। लास्ट मॉक में सुभाषिस का हो गया था, उसको डेड लोड लाइव लोड कंफ्यूजन हो रहा था। चलो ओके गुड, नाउ कम विद यस मुजाहिद। सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुजाहिद, मुझे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन ब्रीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एज यू नो माई नेम इज मुजाहिद एंड आई एम फ्रॉम नोएडा। आई हैव कम्प्लीटेड माई बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग इन 2018। After that, I have a experience of 3 years in site work. I have done site engineering. Right now, I am doing a job in a architectural consultant and taking training from Munich Civil Training Institute in structural field. In my training, we are learning some technical skills related to the structural engineering and learning some softwares which is useful in designing of structures as AutoCAD, STAT Pro, ETABS, which is useful tools for designing of structural engineering. In AutoCAD, we learn that how to create floor plans, elevations, sections, and STAT Pro, we learn how to analyze and design a building. So these are things right now I am doing. This is brief. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक अब नेक्स्ट, क्योंकि अब मैंने ब्रीफ बोला ना, अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव अ स्ट्रेंथ लाइक आई एम अ पॉजिटिव पर्सन्स। उसके बाद जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसको तुम बोल सकते हो, ठीक है? चलो ठीक है, यस दैट सर। दैट वाज गुड। बट ब्रीफ मीन्स जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक तुमको बताते रहना है। ओके नाउ ओके सर। व्हाट आर द योर स्ट्रेंथ मुजाहिद? So my strength is that I'm a person who adopt things easily, and definitely I'm a hard worker. So if I have a challenge that I give my 100% to achieve that target and that thing. ओके, इफ यू हैव अ टू और थ्री स्ट्रेंथ, ट्राई टू यूज आई लाइक तुमने बोला ना कि मेरे पास देख डिफरेंट डिफरेंट स्किल लाइक तुम्हारे पास है स्ट्रेंथ, तो आई हैव अ डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ पर आर यूज करना, इज नहीं यूज करना है, ठीक है? अगर तुम्हारे पास दो से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एक से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो तुमको वहाँ पर आर यूज करना है, ठीक है? ट्राई टू यूज दैट। नाउ मुझे व्हाट आर द हाईएस्ट कोड्स यू नो? So we use IS code like IS 456-2000 and IS 875 part 1, part 2, part 3 and IS 1893. These are some codes which we use, and IS 800-2007 for steel structures. So these are some codes which we use. ओके, सो व्हाट यू नो इन आईएस 456, फॉर व्हाट वी यूज्ड आईएस 456, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स देयर? So basically, IS 456 is used for the plain and reinforced cement concrete structures. ओके, डिफरेंस बिटवीन एसएमआरएफ एंड ओएमआरएफ। Sir, SMRF and ordinary OMRF is ordinary frame moment resisting frame, and SMRF is special moment resisting frame. So if we design a building more than grade M20 as M25, M30, so we say building is SMRF, and M20 and below than M20 is OMRF. ओके, व्हाई शुड आई हायर यू मुजाहिद? Sir, because I am the person like your company is looking for, so that's why I think that I will be able to deliver your requirements. ओके, व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? So salary, as I have some experience and taking
training. So as per the industry norm, Okay, that's good. As per the industry norms, right? That is right. Okay, don't say as per company norms. Okay, yes. because that may be changed. Okay, for how long you can stay in our company? So, sir, currently I am looking forward and I am willing to learn and enhance my technical skills and grab some knowledge. So, I don't think so. I'm going to leave job, after just joining. So, I'm looking forward. So, I should say that, yeah, I'm going to stay there. Okay, means you're going to stay for a long time, for committed. You're going to commit, right? Yes, sir. Okay, great. Mujahid, what's your hobby? Some I do not have too much hobby, so sometime I'm used to watch movies or some play cricket, so and What's सब your दोस्तों के साथ hobby? कभी गेड़ी शेड़ी मारने चले जाते हैं इधर उधर। हाँ ओके नो गुड. गेड़ी तो पंजाबी वर्ड ना. सर, हम चाय पीने जाते हैं ना तो उसे कि चलो भाई। ओके, इफ यू फील लाइक दिस इज माय हॉबी, राइट? सर हॉबी नहीं, आपको बता दिया बस। हाँ, ओके, ग्रेट. ओके, मे बी लाइक इसको बोलते हैं कि उसमें भी एक अलग ही जॉय होता है. ठीक है, जो भी आप देखो हॉबी के मतलब होता है, सर आज मैं आपके सिटी में हूँ, इलाहाबाद. क्या बात है, अरे इलाहाबाद, गुड. ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर मुजाहिद, दिस इज़ गुड. एंड अभी इम्प्रूवमेंट आपका काफ़ी अच्छा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू योर प्रीवियस मॉक्स. कम्युनिकेशन भी आपकी इम्प्रूव हो रही है. ट्राई टू मोर मच मोर प्रैक्टिस इन कम्युनिकेशन, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू. श्योर सर, ओके श्योर सर, डेफिनेटली आई विल ट्राई। ओके गुड. ओके, थैंक यू सर। ओके नाउ अखिलेश गोस्वामी, हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गोस्वामी. गोस्वामी, वेयर आर यू राइट नाउ, इन योर होम टाउन और इन हरियाणा? माय होम टाउन सर। ओके ग्रेट. नाउ जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन ब्रीफ. माय नेम इज अखिलेश गोस्वामी। आई हैव कंप्लीटेड माय 10th एंड 12th फ्रॉम श्री रामदेखा सिंह इंटर कॉलेज सूर्या बाजार गोरखपुर विथ परसेंटेज 80 एंड 83% रिस्पेक्टिवली। एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विथ परसेंटेज 58% एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन सिस्मिक डिजाइन आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग फ्रॉम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर। आई हैव क्वालिफाइड गेट 2 टाइम्स विथ 32 मार्क्स एंड 34 मार्क्स। आई हैव डन माय प्रोजेक्ट इन बीटेक आई हैव डन माय प्रोजेक्ट इन बीटेक माय यस आई हैव डन माय आई हैव डन माय प्रोजेक्ट इन बीटेक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ माइक्रोसील का यूज इन कंक्रीट एंड आई हैव डन माय एमटेक प्रोजेक्ट आई हैव डन माय एमटेक प्रोजेक्ट टाइम हिस्ट्री एनालिसिस ऑफ वाटर टैंक। ओके, हाउ मच यू रेट योरसेल्फ फॉर योर इंट्रोडक्शन आउट ऑफ 10? सर आई हैव नो आइडिया सर। ओके, यू नीड मोर. ओके, जस्ट लिसन अदर्स लाइक हाउ कैन दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, बिकॉज यू आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनीथिंग अबाउट स्ट्रक्चर्स. ओके, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट आईएस कोर्स, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैट प्रो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ई टैब्स. ओके, बिकॉज यू आर स्ट्रक्चर इंजीनियर ना, तो ओके योर एज यू सेड लाइक योर हाई स्कूल 11, दैट इज नॉट दैट मच इफेक्टिव एज कम्पेयर टू योर टेक्निकल थिंग्स. ओके ओके, सो ट्राई टू इनहेंस योर इंट्रोडक्शंस, नॉट रिक्वायर्ड मच. लाइक इफ यू जस्ट लाइक टूडे आई एम गोइंग टू अपलोड दिस ऑन यूट्यूब, जस्ट यू कैन जस्ट सी दैट इंट्रोडक्शन ऑफ सुभाषीष, दैट वॉज करेक्ट. प्रीति इंट्रोडक्शन वॉज परफेक्ट. एंड अब नियर अबाउट परफेक्ट मुजाहिद लाइक इंट्रोडक्शंस. सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर मॉक्स की ओके व्हाट दे आर सेइंग. ओके ओके ओके, व्हाट आर द आईएस कोड्स यू नो? आईएस
IS456-2000, IS875, IS1893, IS333-70, and IS800-2007. Last question from you. Difference between IS1893-2002 and IS1893-2016. What's that? Difference between IS1893-2002 and IS1893-2016. Sir, I have no idea, sir. But you are a structure engineer. Yes, you sir. need to know the updates. What are the updates came, right? And you have done your master's in structure. What was your pass out year? 2022 your master's and 12 like your degree in 20, right? No, 2018. And what you did in before these 2 years? Sir, I have prepared for government job, sir. Okay, prepare for government job in 19 and 20. After that you started your master's, right? Okay, yes sir. Okay, great. One more question from you, Akhilesh. Why should I hire you? Sir, I have done my master's in seismic design and earthquake engineering. I learned STAT Pro ETAB and STAT Pro RCDC from Unix Civil. So I can handle your problem with your company like STAT Pro and ETAP and RCDC. So you hire me, sir. Okay, those सबसे important चीज़ क्या है? मैं कोई motivate तुमको demotivate नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोच रहे हैं, फिर किसी को भी मैं demotivate करना हमारा काम नहीं है. हमारा काम है सिर्फ तुमको आईना दिखाना, ठीक है? मतलब कि तुम देख लो कि भाई मुझे और साफ करना पड़ेगा क्या खुद को, ठीक है? तो इसमें क्या होगा गुरुस्वामी, अभी तुम्हारा मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? कम्युनिकेशन पर आ रही है. अब मेरे को पूछना और भी बहुत कुछ है पर पूछने का मन नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि तुम इस चीज़ को उतना इफेक्टिव एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो. थोड़ा कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो. एक कल मैंने देखा एक वो ऐप है जो स्टॉक करके, ठीक है, पता होगा शायद तुम लोग को. तो जिसको भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, सबके लिए बोलूँगा, जो स्टॉक करके एक ऐप था, उसमें 499 का एक पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन था कि यू कैन टॉक विद अदर्स, ठीक है. उसमें टॉक करने का ऑप्शन था, कुछ क्वेश्चन पूछते, बड़ा इफेक्टिव दिखा मुझे वो. तो मेरा कहना रहेगा कि आप 499 इन्वेस्ट करो, ठीक है. इट्स नॉट, मैं कोई उनको प्रमोट वमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. मुझे अच्छा लगा, तुम्हें कोई और प्लेटफॉर्म अच्छा लगे उसको करो, बट ट्राई टू इन्हेंस योर एज मच एज पॉसिबल योर कम्युनिकेशन, ठीक है, जिससे कि तुम बात को रोचक बना सको. समझ गए? ओके सर. तो एक जो स्टॉक करके ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें 499 का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन उसका है, और उसमें है कि लोगों से बात कर सकते हो कमेंट के माध्यम से, लोगों से बात कर सकते हो कॉल के माध्यम से, इस तरीके से. तो अगर तुम चाहो तो उसको कर लो, लेकिन कहीं से भी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो. रात को तुम्हारी बैच चलती है 9 बजे, कोई ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है, तुम खुद नहीं ज्वाइन करते हो. और कम्युनिकेशन ही तुम्हारा सबसे बड़ा कह सकते हो तुम्हारा वीकनेस है, इसके बिना तुम्हारा काम ही नहीं होगा, ठीक है. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे ही हो जाएगा, तुमको रोड छाप से ब्रांडेड बना देगा. मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ रोड छाप, मतलब एक इंसान को रोड छाप से ब्रांडेड बना देता है छोटी सी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है. तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि ट्राई टू इन्हेंस. मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद पछताना पड़ेगा, ठीक है. और तुम्हें आता है चीज़ें, मुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि तुमको आता है, तुमने गेट क्वालिफाई किया है, मजाक नहीं है, ठीक है. लेकिन तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो. समझ रहे हो कि नहीं अखिलेश? ओके सर. ठीक है, तो उसको कर लो, तुम जो स्टॉक वाले से करो या फिर कहीं से भी करो, बस कम्युनिकेशन स्टॉक करो. नाउ कम विद नीलेश. नीलेश, आप नीलेश, गुड मॉर्निंग सर. ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. मोहित का ही नंबर था लेकिन वो नीलेश का नाम निकल गया. बट ओके, नीलेश इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. माय सेल्फ नीलेश चौधरी फ्रॉम गुजरात. ओके, आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन GTU, where my project is pervious concrete. We try to develop a strength of pervious concrete because of concrete has no strength. It's used in only garden. And after completed my BTech, I learned some software about architects and architect field. I get job in the architect company IHPR.
where I do planning and designing, where I design a 3D model, plan of the house sections, and also I learn where interior design. And currently I am pursuing an internship in Unix Civil, where I learn AutoCAD, State Pro, RCDC, ETAB, and any other structures for structure engineering. And in this internship, AutoCAD, I learn section, elevations, and some rules about planning and designing. In the State Pro and ETAB, I learn about analysis and design of the structure. And RCDC, we final output, we the bahas and nikal de, like that. Okay. And that's it. Okay. You pass out year, Nilesh? 2020. And after that, what you did? After that, I learned software like CDS Max, AutoCAD, SketchUp, and then I do a job in architecture company. Okay, you do the job for how many months? 4 months. 4 months. Why you left that? Yes. No, left that. Currently, I do. Okay, you're doing the job right now. Great. Right. What's your job responsibilities there? When the job responsibility, mostly 3D model, like I am there, provide a plan, and I you think and you model, and which model you like, you consider that. Okay, what's your profile there? So I am only one person job. Okay, one person, there are but two there people. Is some profile for you, na? They offer some profile? Like I have no idea about this job. Okay, that is that is the problem. Okay, if your profile is something, okay, so if your profile is some common profile, you can just mention some structures work. तुमने क्या बोला? जब मैंने बोला कि what's your job responsibility? अब तुम्हें opportunity मिल गया खुद को prove करने का. तुम क्या बोल सकते थे? हाँ, वहाँ पे उनको structure का ज़्यादा knowledge नहीं है, तो मुझे बार-बार बताना पड़ता है कि यहाँ पे आप ये नहीं दे सकते, यहाँ पे column या कुछ देना पड़ेगा, तो फिर वो consider कर लेते हैं कि यहाँ तुम्हें knowledge है. सी देखो अब तुमने यहाँ पर ऐसा बताया नेक्स्ट कंपनी में तुमको बताना है कि मैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम भी करता था वहाँ क्योंकि तुम उनको तुम्हारे तो प्रोफाइल डिसाइड ही नहीं है ठीक है तो तुम उनको तुम उधर क्या बताया कि मैं केवल 3D बनाता था तुमने अपनी स्ट्रेंथ को गिरा दिया तुम यहाँ पर किस लिए आए हो तुम यहाँ पर आए हो मतलब मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए किसके लिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग देना है ना तुम क्या बता सकते थे लाइक इन माई कंपनी माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर उसमें क्या दिखा सकते थे प्लानिंग सेक्शन एलिवेशंस समटाइम्स स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स और समटाइम्स कॉलम पोजीशन सेंटर लाइन 3D मॉडलिंग अब ऐसे तुमने एक्सप्लेन कर दिया मुझे सब कुछ कवर हो गया ना समझ ये काम स्ट्रक्चर का भी करता हूँ बट फ्रीलांस तौर पे या पे लोकल इतनी ईमानदारी नहीं दिखानी है इंटरव्यू में ईमानदारी इंटरव्यू में बोलना है कि मैं ये सब करता हूँ फ्रीलांसिंग का नाम नहीं लेना है ठीक है जी इसलिए नहीं लिया ना मैंने नहीं समझ अच्छी बात है हाँ ठीक है नहीं देखिए तुमने जब कंपनी के अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में केवल तुम 3D मॉडलिंग प्रेजेंट कर दोगे तो मुझे लगेगा ये स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं है समझ रहे हो तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें प्रेजेंट करना है कि मैं स्ट्रक्चर्स के वर्क भी करता था मुझे थोड़ी पता है तुम्हारी कंपनी में क्या काम होता है समझे कि नहीं इस प्रॉब्लम को तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि मुझे स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम ज्यादा आता है और वो मैं सब कुछ वहां पर उस कंपनी में करता हूँ नहीं करते तो भी यहाँ पर तो सीख ही रहे हो ना क्लियर नहीं वहां पे अगर नहीं भी करता तो मैं वहां पे लिख के ले सकता हूँ उनसे कि आप मुझे स्ट्रक्चर कोई कंपनी मेरी रिकमेंडेशन है तो फ्रेंडशिप जैसा है तो वहां से ले सकता हूँ नहीं वो तो अच्छी बात है तुम जब मॉक में मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो तो मुझे स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें ज्यादा बताओ कि मैं ये करता था वहां पर नहीं भी करते तो भी ऐड करो उसको ये मैं बोल रहा हूँ ओके ओके सर ठीक है थैंक यू
चले ओके, ऐसा लगना चाहिए कि बस थैंक यू सो मच नीलेश, बस ऐसा लगना चाहिए कि मुझे स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही काम आता है, वही मैं करता हूँ, ऐसा तुमको बताना पड़ेगा। ठीक, चलो जी मोहित। जी यस सर। मोहित, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ विच इज नॉट मेंशन इन योर सीवी। Sir, I am a bit challenge person. I love challenge, and everything is mentioned in my CV, like my what's my hobbies and my job role in my company, and that's it. There is nothing missing in my CV. Everything is written in your CV. Yes, sir. My hobbies to my personal details, everything. Okay, but your life is like 25 years life, and how can you like say ki there's something like anything not missing? Maybe. All important information. Yes. About myself. All important information of myself is already I mentioned in my resume, and apart from this, I am a challenging guy. I like to challenge myself for complete anything, right? And complete anything. Yes, sir. Now introduce yourself, Mohit. Hello sir, thanks for giving me that opportunity to introduce myself. My name is Mohit and I am from Muzaffarpur, Bihar. Now come to the my work role in my company. Now I am working at AcroArk, where my job role is versatile, like I do drafting using AutoCAD. Yes. In drafting I mainly do detailing. I ready detailing plan, construction plan, interior detailing, because my company is basically architecture where civil engineering is also required, so I am position is there, and I do analysis and design using various software like STAT Pro. For foundation I use STAT Foundation, ETES. For foundation I also use STEP. Using various code like Indian Standard 456 for basic RCC and PCC, and for load I use Indian Standard 875 part 1 for dead load. Sorry, eco help me. It's okay, continue. And Indian Standard 875 part 2 for imposed load. Indian Standard, I very less use Indian Standard 875 for seismic because my zone is 5 and there is lots of project running in Muzaffarpur, Bihar. The zone has 5, so I use seismic load. So for seismic load I use Indian Standard 1893-2002, because in Indian because in STAT Pro there is no update for 2016. I also have basic knowledge of dynamic, but I didn't work right now on dynamic analysis. Now come to the my educational qualification. I have done my BTech in 2018 from Aryabhatta Knowledge University, Patna, with 7.9 CGPA. I have done my intermediate in 2013 and matriculation in 2011. That's it. Thank you. Okay, very good. That's brief about me. Thank you. And Mohit, why should I hire you? Sir, it would be great opportunity to showcase my abilities, and I have that skills, quality and experience regarding this job and fulfilling your job description. So I should... I am good candidate for this company. Okay, great. What's your weakness, Mohit? Actually, there is no any specified weakness, but whenever I get that, I try hard to eradicate that. Okay, only one weakness. Okay, what's your strength? My strength is to overcome my weakness. Okay. Then that means that you don't have any weakness. Okay? Yes, sir. Okay. Mohit, your passout year 2020, right? 2018. Okay. And how many years experience you have?
Now I have experience of more than 1.5 years, but I considered my because I am permanent from last 1 year. Okay, you permanent over there for last 1 year. Okay, for how mean like why want to left your company? Pardon, please. Sir. Why you want to left your current company? Why you want to came in structures companies? Sir, because there is lots of project running now, but not all the project are challenging. Like I do their analysis and design of G plus 3, general G plus 3, 4, 5, and not that much challenging position here. So I want some challenge in my life and as a structure engineer and learn more about civil engineering and structure engineering. So that's why I want to come in your company and I am so interested. Okay, so from which date you are comfortable to join? 15 days I will take because there is lots of project running on, so I have to sort out that's all project important thing I have to use. But I need immediately, is it possible? If it is possible, if I mean how much time you will give me? I want from tomorrow. From tomorrow. And your package is it 5 possible? Lakh. Your package is it 5 is lakh. So, but it's a completely hypothetical situation because if you tell me to join from tomorrow, now I have to. I have to confirm my ticket and there is lots of work I have to company is going my to provide you luggage. Company is going to provide you ticket and hotels also and your package is 5 lakh. But it's a bit difficult for both me and my company where I am working right now. It is like traitors. I will consider myself as traitors. Yes, never say yes. Okay, if any company force you, okay, there is a immediate joining, so I'm just going to offer you 5 lakh, 6 lakh or 10 lakh, you can say ki I'm an honest guy, okay, I can't do this, okay, but if that is immediately requirement, so give me some time, I'll ask with my boss, also I'll complete my current project, if they allow, okay. Then only I can hire. So, हो सकता है वो बोले कि then you like you're going to lift your opportunity. तो बोल सकते हो कि it may be, but if I came in your company and if I do, तो I can't do this. Okay? तो सामने वाले को touch होगा और definitely वो तुम्हें time देगा. Okay? You can say कि my notice period is this. ठीक है? I can't came before this. Okay? But if you force me, I talk with my boss. If he allow, then only I can come. ठीक है yes, और सभी कंपनी का नोटिस पीरियड होता है तो नोटिस पीरियड आपको जानना चाहिए कि हमारा नोटिस पीरियड क्या है उस नोटिस पीरियड को आपको कंपनी को बताना है ओके वेरी गुड ठीक है ये वाला क्वेश्चन तो ये वाला आंसर तुम्हारा बहुत ही अच्छा था ठीक है और ओके एंड व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट इन योर डिग्री सर एट दैट टाइम आई वाज इन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नॉट आई कैन से रेजिडेंशियल इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्टल Polytechnic hostel where I was as a site engineer where I learned how to read drawing architectural drawing and from there I learned about reading architectural drawing very good nice likes nice your that project because that is related to some structures work theek hai planning kar rahe the matlab kuch kaam kar rahe the theek hai very good this was nice compared to your previous mocks now BJ Thank you, sir. Okay, most welcome. Vijay is there. After Vijay, there is a Raju. Good morning. Vijay, introduce yourself. Good morning, everyone. My name is Vijay Rawat, and I am from Pune. I completed my BE in Civil Engineering from Dilip Patil Pune University itself in 2020. And after that, I appeared for GATE exam and secured 21 marks. And on that basis, I managed to secure a seat in university for ME structure. And currently, I am pursuing my final set of ME structure at my BE project.
coding, and currently I am working on a project that is retrofitting of any problem using DApps. And while pursuing my ME, I went for a site experience at Hyderabad for 7 months. My hobbies are listening to music and e-games. Okay. Currently you're doing the internship also. So try to explain something about internship also. This is the most important part yes, for yes. you. Yes, sir, yes, sir. Okay. Maybe today there's some network issues in your place. Where are you right now? You're not Pune? Sir, I'm Pune, but outside, like at Handewadi. Oh, yeah, you are in Handewadi. Handewadi is here. Near Adapsar. Yes, yes, Handewadi, I know. Yeah, near Okay. BJ, you know StatPro, right? Yeah. Okay, you know ETFs also. If you, if I'll just say you choose one software, which one you want to choose and why? For high-rise building. For high-rise buildings. Yes, sir, definitely, sir, ETFs I will prefer. Okay. Due to, sir, it is a... Okay. BJ, what's your strength? So my strength is like I can understand things easily, and I can adopt the circumstances, and I can tackle them down. Okay. What's your biggest achievement of your career? So biggest achievement, I was like a full time I used to play boxing. So I went for district level in boxing, and yes, sir, as such, that only I can consider. Okay. That is good achievements. Okay. Okay. Why should I hire you, BJ? sir, definitely, sir, you need a skilled person, and who can help to reach our company at good position. So definitely I will help in that. Okay. BJ, what's your selling expectations? Sir, according to industry norm. According to industry norms. Okay, great. BJ, why are you not consistent right now? Like, are you not consistent doing that internship consistently? Means there is some gaps. Yes, sir. Sorry for, sir, okay. Extremely sorry for that inconvenience. Sir, actually, I am my sister's place. Okay. And here we are having some guests. I am attending them. Sir told me today that sir was, you were asking about me. And okay. I really appreciate for this concern. Okay. But sir, definitely, sir, I am doing my work, and try to maintain the consistency. This is the only key of the success. Okay. Yes, sir. Okay, thank you so yes, much. Sir, definitely. Okay. I really appreciate it. Okay, no issue. You can. Now, thank you so much. Okay, most welcome. Raju. Good morning, sir. Good morning, good morning. You have a good patience. You are last and you came first. Like, I was just trying to check your patience. Okay? So, okay. There is a time like 2018 ke aas paas ki baat hai, company hai SanView karke Aurangabad mein. To wahan par ek ladka gaya interview dene ke liye. और वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जब गया तो उसको इंटरव्यू ने बोला कि जब वो एंट्री किया तो उसने बोला वेट, ठीक है, और बोला कि वेट आउटसाइड, ठीक है, और वो गया बाहर की तरफ बैठ गया। अब वो क्या चेक कर रहा था, वो चेक कर रहा था उसका पेशेंस। उसने पता है क्या किया, वो बाहर की तरफ बैठा, उसके बाद बैठ के फिर क्या बोलते हैं अपने मदर को कॉल किया, मदर को कॉल करने बताया कि इंटरव्यू देने आया हूँ, ये वो, ठीक है, कैमरे में वो सब कुछ देख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर फेसबुक डाला, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला उसने, फिर उसके बाद ये सब करने के बाद मुझे कॉल करता, मुझे मतलब लगभग 1-1.5 घंटे के बाद मुझे कॉल करता कि सर क्या बोलते हैं मैं इंटरव्यू देने आया हूँ और ये मुझे वेट ही वेट कराए चले जा रहे हैं, ठीक है। मैंने तुरंत ही मेरे दिमाग में चला गया, तो मैंने कहा कितना टाइम से वेट करा, बोला 1 घंटे सर। मैंने कहा देखो आसपास कहीं कैमरा दिख रहा है क्या, तो उसने बोला मैं अंदर से समझ गया ये सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उस समय पर वो चेक कर रहे थे उसका पेशेंस की हाउ मच पेशेंस ही है, और उस समय उसने क्या किया था, फेसबुक इंस्टाग्राम शेयर किया था,
उसको पता है क्या करना था, केवल एक बार नोटबुक, चाहे मोबाइल में ही लेके नोटबुक खोल लेता ना, उसको तुरंत वो बुला लेता और तुरंत उसका काम हो जाता। तो ये होता है पेशेंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, यू हैव नाउ राजू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर, गिव मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम राजू तोरण, एज ए हार्ड वर्किंग सिविल इंजीनियर, आई परसुइंग माई डिग्री फ्रॉम टेक्डो इंडिया यूनिवर्सिटी विद 8 CGPA। नाउ आई एम डूइंग इंटर्नशिप, स्ट्रक्चरल इंटर्नशिप इन यूनिक सिविल प्लेटफॉर्म विद ईयर आकाश पांडे सर, एंड हेयर आई लर्न ऑटोकैड, स्टैट प्रो, ईटैब एंड सेट एंड ईटैब एंड फर्स्टली आई ऑटोकैड आई लर्न देयर 2D, 3D एंड आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग एंड आई ड्राफ्टिंग अकॉर्डिंग द रेरा एंड वास्तुशास्त्र। And Stat Pro and ETAP, I learned there static and dynamic analysis, also design part also, and check the criteria of bending moment, shear force, torsion also. And ETAP, also in ETAP, I learned there crossover analysis, p-delta analysis, time history analysis, and the shape. Here we design according to the design footing and sail according to the AST. And apart of that part, I have a hobby that I love to cooking, and I love solo traveling. That. Okay, great, very good. Raju, what's your like? What you mentioned here, your solo traveling you like, right? Yes, sir. Last time, where you travel solo? I solo traveling. I traveled around by outside of my city, like any. Park in a zoo. Okay, great. When you just enjoy your solo travelings, what you like in that time? What you like in solo travelings? First of all, that the solo traveling strengthen our mind and also we know that our best friend we ourselves. That I love solo traveling. Okay, means solo you want or you like with your friend? First of all, I solo lap, then okay. What do you learn from your solo ridings? I learned that in life there is a lot of problems come up. Many of people join, many of people separate from me. But when I solo traveling habit myself, that time I feel I no hurtful things I. ठीक है, जब भी तुमने या फिर कोई भी रिमेंबर रखो कि जब कोई सोलो ट्रैवलिंग का नाम ले या फिर कोई बोले कि आई वांट टू टाइप टू टॉक विद माय सेल्फ, तो इसका समझ जाओ कि वो उसके अंदर थोड़ी स्ट्रेस है। ठीक है, अब मैं अभी पता नहीं राजू इसको डिनाई करेंगे या यस बोलेंगे, पर ये फिक्स होता है कि उसके पास थोड़ा स्ट्रेस होता है। ह्यूमन जब कभी भी स्ट्रेस फील होता है, दैट टाइम उसको अकेला रहना अच्छा लगता है। ऐसा होता है ना राजू? यस सर, यस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, कुछ न कुछ स्ट्रेस है। मैं खुद भी कभी कभी ऐसा होता है, बट अभी वैसे कुछ मुझे स्ट्रेस नहीं है, बट आई लाइक टू टॉक विद माई सेल्फ। मुझे अपने आप से पास करना, मतलब कि बात करना बड़ा अच्छा लगता है। ओके, ग्रेट। राजू, लाइक यू नो द ऑटो कैड, ई टैब एंड स्टैट प्रो, राइट? यस। सो इन इन ई टैब्स व्हाट इज द यूज ऑफ डायफ्रेम्स? डायफ्रेम दैट वी यूज फॉर द ऑल द लोड सेंट्रिक, दैट इज द डायफ्रेम। Good. Which IS could be used for wind analysis? IS 875 is wind analysis. Huh. IS 875 part 3. Part 3. And in that we use the K2. What is K2? K2 is that topography terrain factor. Terrain category, right? Yes. Terrain category. And there is a terrain categories like A, B, C, right? Yes, sir. And ABC the ABC is a class, right? So yes. What is building class? Class is the 0 to 1.5, that is A, 1.5 to 10, that is B, and 10 to above, that is no sir, 0 to 1.5, that is A, 1.5 to 20 is that B, and 20 to above, that is you defining the 10 category. I'm just talking about building class. Building. Okay. You don't know about building class? Building class, three classes, class A, class B, class C. If, like when we just measure the building class, we check the, which one is higher, length, width, height.
length, width, height, if you just calculate, suppose length is 10, width is 20 and height is 10. So width is maximum, na? Width is 20. Okay, yes. So there is a parameter 0 to 20 meters class A. So that your building is came in class A. If that is 20 to 50, class B. And if more than 30, more than 50, that is class 50. C. Got it? Okay, great. Why should I hire you, Raju? First of all, I am hardworking and honest and punctuality person. And second one is that what skill are you required? That skill already I have. I believe on my skill that I that your project cost and time also efficiency with my skill. That's why. Very good. This was nice interview, Raju, and everyone improved very good from your previous mocks. I'm just going to tell you the numbers. Like Abhijit got the 6 marks. Thank you so much, Raju. That's it. And Mujahid got 6.5. And Subhashis got 7, and Preeti got 7, Akhilesh got 4 due to communication, Akhilesh, and Mohit got 7, Nilesh got 5, and Nilesh, you need also the communication, like you have some communication problems. Vijay got 5, Raju got 7, and that's it, about 2 days walk. I think Hussein is not possible because he's in Allahabad, so maybe he's in some problems. I know that. Okay. तो इस तरीके से आपने मॉक किया. मेरा मेन मोटो क्या था आज का मॉक का मेन मोटो था सर, आई एम लिसनिंग. ओके, इज इट पॉसिबल टू डू द मॉक? नो सर, नॉट पॉसिबल. आई एम सिटिंग इन द रेस्टोरेंट. ओके, व्हिच रेस्टोरेंट? नियर सर, आई डोंट हैव ईयरफोन एट दिस टाइम. वेयर सर? आई डोंट हैव ईयरफोन एट दिस टाइम. नो नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक इन व्हिच रेस्टोरेंट यू आर राइट नाउ. सर, इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट. समझ. आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ द, आई थिंक लविशा साहिब. ओके 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 देयर इज, ओके नो इशू, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द लाइक देयर इज सम कैफेस व्हिच इज वेरी गुड, बट ओके. सुभाषिस एंड प्रीति, और यस, सुभाषिस और प्रीति का काफ़ी अच्छा था आज का मॉक. एंड देखो, अभी आपका पैटर्न क्या होना चाहिए इंट्रोडक्शंस का, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ. ठीक है, परफेक्ट इंट्रोडक्शंस कैसा होना चाहिए थोड़ा सा मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ. और कल आपको कुछ नहीं करना है, QTR वाला प्रोजेक्ट ही सबको सबमिट करना है, सबको पता है. उसके अलावा लेक्चर नंबर 24 करना है. ठीक है, लेक्चर नंबर 24 को वॉच करना है और वो करना है. देखो, इंट्रोडक्शंस का सबसे राइट पैटर्न जो होता है वो ये होता है. ठीक है, ये BIM के लिए है. ठीक है, और लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटीज. माई नेम, आई एम बेसिकली फ्रॉम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, बट करंटली लिविंग यहाँ पर. ये सबसे राइट आंसर है, सबको बोलना है. I did my graduation in last year B from यहाँ से, और after that I completed my diploma, अगर किया है तो. ठीक है, यहाँ तक मैं अपने mock को समाप्त कर देना चाहिए. अब आपको आ जाना चाहिए अपने तुरंत internship पर, experience पे. क्यों? क्योंकि हो गया ना आपके बारे में यहाँ पे. अब आपको क्या करना चाहिए, currently I am pursuing, आप क्या pursuing कर रहे हो, structural professional course या फिर structural internship from Unix Civil with under the guidance of Engineer Akash Pandey. ठीक है, द कोर्स इंक्लूडेड, अब यहाँ पर आप अपना कोर्स डाल दो. ठीक है, द कोर्स इंक्लूडेड ऑटोकैड, स्टैट प्रो, ई टैब्स, आप अपने सॉफ्टवेयर डाल दो. और उसके बाद यहाँ पर डालो कि इन दिस कोर्स आई हैव डन माई मेनी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट विच इंक्लूडेड, आप बता दो 5 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जितने भी आपने किए हैं. ठीक है, अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, कई सारे कैड प्रोजेक्ट किए हुए हैं, डिटेलिंग्स किए हुए हैं. अब यहाँ से आप अपने टॉपिक्स जो जो आपने किया हुआ है उसको एक्सप्लेन करो यहाँ तक ब्रीफ में. ओके, और लास्ट में जब ये सब हो जाए तब उसके बाद इफ ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो सुनना चाह रहा है सामने वाला, तो उसके फेस को देखो कि वो इंटरेस्ट ले रहा है क्या. अगर इंटरेस्ट ले रहा है तब अपनी थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें बताना स्टार्ट करो. अदरवाइज यहाँ से तुम बोल सकते हो कि थैंक यू, लेकिन अगर देख रहे हो कि यार अभी वो सुनना चाह रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो उसके स्माइल से, उसके लाइक वर्क से पता चल जाता है कि सामने वाला सुनना चाह रहा है क्या. तो बता दो माई फादर इज अ फॉर्मर, जो भी आपके फादर है, मदर इज लाइक दिस एंड आई लिव्स इन, ये कहाँ पर रहते हैं बता दो. माई स्ट्रेंथ आर, आई एम हार्ड वर्किंग. देखो यहाँ पर आर यूज किया है, किसी ने ईच यूज कर लिया, सर मुजाहिद ने किया था, तो आर यूज करना चाहिए अगर हमारे पास मल्टीपल है तो. हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, नीड टू नो न्यू थिंग्स, डिसिप्लिन, ऑनेस्ट पर्सन एंड कैन आई वर्क इंडिपेंडेंटली. ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें बता दिया. उसके बाद माई हॉबीज आर, जो भी तुम्हारी हॉबीज है उसको बता दो. और उसके बाद तुमको डालना चाहिए माई शॉर्ट टर्म गोल्स इज टू गेट द जॉब इन रेपुटेटेड कंपनी, माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू अचीव द गुड पोजिशंस वेयर आई कैन बिल्ड माई कैरियर इन हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशंस टू. दैट्स ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ. थैंक यू.
जिसने इतना इंट्रोडक्शन दे दिया वो सेलेक्ट हो ही जाएगा, फिक्स है मान लो, ठीक है। पहला इंप्रेशन ही उसका इतना भयानक हो गया कि अब सामने वाला सोचे कि क्यों निकालो इसको, ठीक है। उसके बाद तुमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट्स योर कैरियर गोल्स, तो तुम यहाँ से कैरियर गोल्स अपना दे सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद पूछा सकता है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस रोल, कहाँ से तुमने इस कंपनी के बारे में सुना। फिर व्हाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी, ठीक है। तो अब आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाना पड़ेगा। अगर अच्छी कंपनी में सिलेक्शन चाहते हो तो कंपनी का फुल रिसर्च करो। आई वॉन्ट टू मेक माई कैरियर इन स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, आई बिलीव दैट योर कंपनी इज रेप्यूटेड फॉर द सेम, ठीक है। आई फील दैट माई स्किल्स आर सुटेबल फॉर दिस पोजिशन एज आई हैव डन माई मेनी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू दिस जॉब रोल। और इसके बाद मेरा अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड उस कंपनी में काम करता है एक्सप्लेन कर सकते हो। इतने पर ही नहीं रुकना चाहिए। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डू वी हायर यू, तो आई नीड देयर टू न्यू थिंग्स क्विकली, आई श्योर दैट आई विल बी गिव माई बेस्ट इन योर कंपनी। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि आई विल नॉट ओनली वर्क इन कंपनी बट ऑल्सो गिव द बेटर रिजल्ट। व्हाट्स योर वीकनेस, आई एम डिटेल ओरिएंटेड, ऐसा कुछ बता सकते हो, ठीक है। वेयर डू यू सी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, आपने आपको 5 ईयर में कहाँ देखना चाहते हो। कभी आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट वर्क दैट आई एम डूइंग। इस तरीके से थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर्स करो। What is your biggest achievements? ठीक है, my biggest achievements was the completely my bachelor's degree in degree। कुछ भी आपने जो भी किया है, कुछ लोगों ने बताया भी है, ठीक है। अब सबसे important part जो आज के time में लोग missing कर रहे हैं वह है about company। जिस company के लिए आप mock देने जा रहे हो, sorry interview देने जा रहे हो, उस company का सारा कुछ interviews आप net से निकाल सकते हो। I am really impressed by company vision and mission। किसी ने बोला what you know about my company, तो मैं क्या बता सकते हो, आई एम रियली इम्प्रेस विद माई कंपनी विजन एंड मिशन फिलोसफी एंड कोर वैल्यूज। द कंपनी विजन अगर इंटरनेट पर डाला हुआ है तो बता दो। मिशन ऑफ द कंपनीज, द फिलोसफी ऑफ द कंपनीज, कोर वैल्यूज ऑफ द कंपनीज आर, ठीक है। ये आपको नेट से मिल जाएगा, उसकी वेबसाइट पर जरूर बताना है अगर उसने बोला। कई लोग बोलते हैं योर कंपनी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी है एज आई नो, उसके बाद तो चुप हो जाते हैं, उनके पास आंसर ही नहीं होता। इतना आंसर, इतने पर रुकना नहीं है। सीईओ ऑफ दिस कंपनी इज दिस, डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी इज, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है, कंपनी स्टार्टेड इन दिस ईयर और सर्टिफाइड कौन सी कंपनी है। उसके बाद बेस्ट क्लाइंट, अगर क्लाइंट के नाम उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो दे दो। उसके बाद हेडक्वार्टर आपकी कंपनी का कहाँ है, सर्विसेज प्रोवाइड फॉर द सिविल स्ट्रक्चर्स, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, और सर्विसेज में लिखे रहते हैं कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, कॉलम पोजिशन प्रोवाइड करते हैं, मे बी स्ट्रक्चर्स एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, जितने काम प्रोवाइड करते हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे सामने वाला तुरंत इंप्रेस हो गया। एक तो तुमने क्या किया, इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शंस दिया, ठीक है। दूसरा तुमने क्या किया, कंपनी के बारे में इतना ब्रीफ में बता दिया कि कोई सोच ही नहीं सकता इतना ब्रीफ में बताने के लिए। तीसरा तुम्हारा कैरियर गोल क्लियर है, ठीक है, और क्यों तुम ज्वाइन करना चाहते हो उस कंपनी को, तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है। बस अब यहाँ से सिलेक्शन कौन रोक सकता है, ठीक है। तो ये नोटबुक मैं आपको दे दूंगा, इसका पहला पेज आपके बहुत काम का है, बहुत काम का है, ठीक है, इसको ध्यान देना। और जैसे कि ऑटो कैट के बारे में किसी ने पूछ लिया कि व्हाट यू नो अबाउट ऑटो कैट, तो इतना आपको कम से कम ऑटो कैट के बारे में 5 लाइन 6 लाइन बोलना आना चाहिए। किसी ने बोला स्टैट प्रो के बारे में 6 से 8 लाइन बोलना आना चाहिए। ये नहीं कि बस स्टैट प्रो इज द स्ट्रक्चर एनालिसिस सॉफ्टवेयर हो गया, अरे भैया उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सीरोल डिजाइन करते हैं और क्या बोलते हैं कॉलम बीम फुटिंग के डिजाइन करते हैं। तो उनको थोड़ा ब्रीफ में पता होना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। लेकिन ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट कंपनी एंड इंट्रोड्यूस सेल्फ। सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन है, इसी से पता चल जाता है कि सामने वाले के साथ रुकना है या फिर इसको नमस्ते बोलना है। ये कंपनी के साथ ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर्स के लिए, बट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स के लिए तो सेम टू सेम अभी तो नहीं है हमारे पास, प्रीति क्या बोलते हैं मोहित, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ स्ट्रक्चर्स के लिए भी ऐसा कुछ हो जाए। हेलो, हाँ प्रीति बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर, मैं बोलना चाह रही थी कि अगर ये लोग थोड़ा अग्री करेंगे, अब हमारे जितने जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो हम लोग खुद भी एक दूसरे का एक एक टॉपिक में ले सकते हैं, तो स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि कोई और बताता है गलती तो याद रहता है कि गलती हुई है। करेक्ट। आप क्या कर सकते हो, गूगल मीट का एक लिंक प्रोवाइड करो, ठीक है, और सबको बोल दो कि ऑडियो कॉल के माध्यम से वी कैन कनेक्ट, ठीक है, और हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और सब ये लोग इंटरेस्टेड होंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी का यही बेनिफिट है। देखो इंटरेस्टेड होते हैं, देखो कैसे होता है कि जब तुमने कोई अच्छा काम स्टार्ट किया ना, तो अगर एक बंदा भी आ गया ना, तो समझ जाओ कि तुम सही कर रहे हो,
ठीक है। अभी देखो मोहित ने बोल दिया इंटरेस्टेड, ठीक है। अभिजीत ने बोला इंटरेस्टेड, ठीक है। तो अपने आप जो अच्छे लोग हैं अपने आप खींचते हुए चले आएंगे अच्छे काम को लेके, ठीक है। जैसे जी, मैंने तो गुरुकुल को हमारे सोचा, डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। यस, अभी मैंने गुरुकुल के बारे में सोचा, लोग ऑटोमेटिक खींचते हुए चले आए। क्यों? क्योंकि चीज और इंटेंशन अच्छा था। लोग आते हुए अब आउट ऑफ मतलब दी सिटी फुल हो जाती है पूरी की पूरी। तो मतलब क्या है कि जब आप अच्छा काम करोगे डेफिनेटली सब आएंगे, ठीक जी है। ठीक है सर, इस बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। हाँ, अभी एक लड़का है अरवाज करके, ठीक है। उसका क्या बोलते हैं, शायद तुम लोगों ने देखा होगा उस पॉडकास्ट वगैरह। तो वो क्या करता था अपने ग्रुप में, वो जस्ट लिंक शेयर कर देता था क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन मैंने बोला था वीक है, ठीक है। तो क्या करता है कि ग्रुप में लिंक शेयर करता है, इफ एनीवन फ्री काइंडली चैट, ठीक है। वो काइंडली वो जो गूगल मीट पे लिंक शेयर कर, तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन करता था लोगों से। कम्युनिकेट करते 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 उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, एमएनसी में सेलेक्ट हो गया, 3.6 का पैकेज पा गया वो, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसीलिए कम्युनिकेशन ग्रुप प्रोवाइड किया हुआ है, टीचर हायर किया हुआ है, मैं पैसे खुद से खर्च करता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, उसको भी ना लोग बहुत कम बेनिफिट उसका उठा पाते हैं, इसलिए मैं उसको क्लोज भी करने की सोच रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा वर्थ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और लेकिन आपको करना चाहिए, खुद से भी करना चाहिए। ऐसे जरूरी नहीं कि उसी ग्रुप से करो, मैं कोई ये कुछ नहीं है कि आप उसी से करो, आप करो, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। ठीक है, हम ट्राई करते हैं। चलिए, हाँ और बोलो। सर एक डाउट आ रहा था मेरे को हाँ बोलो। सर, अगर जैसे स्ट्रक्चर के लिए अच्छी कोई सी कंपनी देखनी है तो पुणे उसके लिए बेस्ट लोकेशन है। पुणे बेस्ट लोकेशन है, पुणे के अलावा मुंबई भी बेस्ट लोकेशन है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर्स की अच्छी कंपनी मतलब वहां पर लोकेशन पर सर्च करो जहां पर हाई राइज बिल्डिंग का डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो पुणे का एक एरिया हो सकता है और बेंगलोर का हो सकता है। बेंगलोर का भी जो पार्ट है ना, अब जो बेंगलोर से उनको पता है कि बेंगलोर बहुत तेज एक्सपेंड कर रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है बेंगलोर, ठीक है। तो उसके वजह से बेंगलोर में बहुत डिमांड है। पुणे बहुत तेज बड़ा हो रहा है। पुणे मतलब कि आज के टाइम में अगर पुणे का मैं बोलूँ तो एक एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में लगभग लगभग 100 किलोमीटर का रेंज सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, माय लॉर्ड। ठीक है। मतलब 100 किलोमीटर एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से भी 100 किलोमीटर, मतलब कि शहर 200 किलोमीटर का हो जाएगा वो कुछ दिनों के अंदर। तो यहाँ से क्यों विजय विजय बताएगा क्योंकि ये भी काफी घुमा हुआ है। तो बहुत तेज पुणे, अभी देखो तुम हंडेवाड़ी में ही है, ठीक है। अभी हंडेवाड़ी से भी लगभग 10 किलोमीटर तक आगे सिटी है ना, कहेगी नहीं, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है। मैं चाकन में गया था तो सर पूरा अप एंड डाउन सर बहुत हो रहा है, हाँ, और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो गई है लगभग मतलब आई थिंक तुम 50 किलोमीटर चाकन होगा तुम्हारा, 50 से 60 किलोमीटर पूरा, 55 सर पुणे फिफ्टी स्टेशन फाइव से होगा, और वहां से तो सर 60-75 है। हाँ, तो आप सोचो कि 100 किलोमीटर के रेंज में पुणे सिटी फैल चुका है। तो जो भी सिटी एक्सपेंड कर रहा है बहुत तेजी से, वहां पर स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, ये फिक्स है। सर, और जैसे अभी मेरा मास्टर चल रहा है रिमोटली, हाँ सर ऐसा है कि सिर्फ मतलब एग्जाम देने जाना रहेगा, तो क्या कंपनी इतना रिलैक्सेशन दे देगी मतलब नहीं, के। कंपनी एग्जाम के लिए अलाउ नहीं करती है, बट तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि हम एक्स्ट्रा लीव्स नहीं लेते हैं अगर, तो हमारे पास लीव एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं करता था, तो मैं क्या करता था, मैं घर मुझे जब जाना कोई काम से जाता था तो मैं एक साथ अपनी छुट्टी निकाल लेता था, ठीक है। और उसके बाद फिर जब छुट्टी एक साथ निकाल दिया तो सीधी सीधी बात है कि आराम से वहां पर जा सकते हैं और अपने एग्जाम एग्जाम दे सकते हैं, ठीक यस है, सर, ऐसा कर सकते हो। कंपनी अलाउ नहीं करती है किसी भी एग्जाम को देने के लिए। हाँ, एक आध दिन का अलग बात है, बट आपको खुद से निकालना पड़ेगा क्योंकि मतलब कि हफ्ते में पूरे साल की जो होती है 23 छुट्टियां होती हैं, और 23 के अलावा भी ले सकते हो, पैसे कटेंगे और क्या। तो सर तो सही, तो बाहर जाना ही रहेगा ना, मतलब पुणे वगैरह सही रहेगा हाँ, पुणे में कर सकते हो, तुम पुणे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर। चलो, और मुझे कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, मुझे बोलो। हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी, मैं ये बोल रहा था सर कि नोएडा के लिए नहीं बताया आपने, क्या नोएडा के लिए नहीं बताया? नोएडा मैं तो बोला बहुत था तेज आपसे एक्सपेंड कर रहा बताऊंगा, है, नोएडा तो सब जानते हैं, ठीक है। आपने मुझसे बोला था मैं बता दूंगा। अच्छा, ओपनिंग के लिए बोल रहे हो? हाँ, हाँ, मैंने आज से इसीलिए मॉक लिया हुआ है क्योंकि आज से हम लोग ओपनिंग शेयर करने वाले हैं, ठीक है। जहां जहां पर ओपनिंग है ऑल ओवर इंडिया में, आज इवनिंग में लेके आऊंगा 5-7 बजे, जहां जहां ओपनिंग से ढेर सारी ओपनिंग्स आज सबके लेके आने वाला हूँ। इसीलिए हम लोग आज मॉक कर रहे थे कि किसका किसका इंट्रोडक्शन अच्छा है, रिज्यूम पोर्टफोलियो चेक कर लिया। अब बचा क्या है, अब सीधे परफॉर्मेंस बचा हुआ है, ठीक है। अब आप परफॉर्म करो, ठीक है, चलेगा। हाँ प्रीति बोलो।
हेलो बैंगलोर और हैदराबाद के लिए भी अगर ओपनिंग्स हो तो बताइएगा, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि मतलब अच्छा एक्सप्लोर करने मिले. बट आरसीसी पे लोग अप्रोच करे तो सही है, मेरे को कई लोग पीईबी के लिए कर लेते हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहती तो. तुम्हारे वो रिज्यूमे लिखा हुआ था ना, और मैं तुमको हाँ बताऊं क्या, पीबी जो है वो बुरा नहीं है, ठीक है। इवन अभी मैं पीबी पे गुरुकुल बैच स्टार्ट कर रहा हूँ डिटेल में, 4 महीने का पूरा पीबी उसके अंदर, मतलब पीबी का पूरा स्टील का जितना भी हैंगर वंगर जितने डिजाइन करने हैं बहुत बड़ा लेके आ रहा हूँ, जस्ट लाइक आरसीसी। तो पीबी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पीबी पर मतलब कि मैं खुद भी लगभग 2 से 2.5 साल की स्टडी किया मैंने, पूरा लॉकडाउन से भी पीबी पे ही स्टडी कर, क्योंकि बाकी तो सब हो गया था। तो पीबी एक अच्छी इंडस्ट्री है। पीवी पता नहीं है सर, हाँ बट पॉइंट ये है ना कि ग्रिपिंग अभी आरसीसी पे हो गई तो एंट्री आरसीसी पे मिल जाए, क्योंकि क्या फिर से आईएएस 800 2007 पढ़ना पड़ेगा. अब मैंने स्टील पढ़ा भी हुआ है पहले भी एमटेक में, पर दैट इज वेरी डिफरेंट एंड प्रैक्टिकली देखो वेरी सीधी सीधी डिफरेंट. बात बताऊं कि अगर तुम्हें कंपनी ऑफर कर रही है, ठीक है, जी तुम्हें सिलेक्शन मिल चुका है अगर, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग चले जाना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन होगा तो इंटरव्यू में वो पी भी पूछ देगा तो कहाँ से इतना. हाँ तो वही प्रॉब्लम है कि अगर पीवी पूछ लिया तो फिर रिजेक्ट हो जाओगे। अप्रोच करने हाँ अलग बात है, इंटरव्यू देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्रैक जी करो, ठीक है. ठीक है, क्रैक नहीं ठीक है. होता तो पता तो चले कि क्रैक क्यों नहीं हो रहा है, हाँ ठीक ठीक है सर, है, ये मैं ट्राई करूंगी. ठीक है, चलेगा। मैं बताता हूँ हैदराबाद और बेंगलोर का भी मैंने प्लान किया, क्योंकि काफी लोग उधर से भी है ना, तो सबके लिए देखना पड़ेगा। ठीक है चले, ओके। हाँ राजू बोलो। सर, रिज्यूमे में एड्रेस क्या चेंज करना पड़ेगा? एड्रेस वो जो लोकेशन, करंट लोकेशन कहाँ पे तुम रहते हो एग्जैक्टली, रहते हो वेस्ट बंगाल कोलकाता। वेस्ट बंगाल? तुम जॉब कहाँ का देख रहे हो? जॉब तो साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया। तुम मत करो चेंज, क्योंकि सीधी सी बात है, तुम रह तो रहे वेस्ट बंगाल में ना, तो यस अभी तो सर। उसी से कंटिन्यू करो। अगर सीवी शॉर्टलिस्ट ना हुई, ठीक है, हाँ तो फिर सर, करना, ठीक है। अभी तो ओके सर, तुम्हारा भी कॉलेज चल रहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें नीड नहीं है इसकी, ठीक ओके है, सर, चलेगा। चलो सभी लोग क्या करेंगे, अपना ये वाला क्यूटीआर वाला प्रोजेक्ट कल कंप्लीट ही कर लेंगे लगभग लगभग, इसीलिए आज मैंने मॉक रखा जिससे कि एक दिन का गैप मिल जाएगा, और लेक्चर 24 वॉच करके कंप्लीट कर देना बस। चलो।